दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप जानना चाहते हैं Realme 1, 2, 3 और ऐसे ही कुछ नए अपने मोबाइल के लेटेस्ट मोबाइल के डायग्राम्स के बारे में कि कैसे मिले हैं और उसको कैसे रीड करें और एक सस्ता सा एक अच्छा टिकाऊ एक डायग्राम डोंगल ऑनलाइन डायग्राम एक ऑनलाइन डायग्राम डोंगल को किस तरह से परचेस करें, तो ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक नया बिल्कुल जो अब तक किसी ने बात नहीं की है, वो है कॉम्बिनेट जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी पूरी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा इस वीडियो में कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्टर करना है, सारी चीज ये है। लाइफ टाइम परचेस, मतलब आपने वन टाइम इसको परचेस करना है। इसमें मिलेगा आपको सैमसंग का अच्छा सपोर्ट, इसमें मिलेगा ओप्पो का अच्छा सपोर्ट और सबसे अच्छी बात है जिसने ये बनाया है उनको इसमें अपडेट करने के लिए बहुत कुछ है उनके पास। और यहाँ पर जैसे हम जे सीरीज यहाँ बात करें, यहाँ पर ए सीरीज भी यहाँ पर बहुत अच्छी दी हुई है। A30, A40, A50 जैसे मोबाइलों को यहाँ पर डाला गया है, एक अच्छे सेगमेंट के यहाँ पर हैंडसेट को यहाँ पर रखा गया है। और ये एक अच्छा और एक सस्ता एक ऑनलाइन डोंगल मैं कहूँगा। मैंने बहुत सारे डोंगल रिव्यू किए हुए हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाइए जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने जिंग जाओ भी बताया है, मैंने मैंने आपको रीट्रैक के बारे में भी बताया है, मैंने आपको जितना हो सकता है आपको उतने डोंगल्स के साथ यहाँ पर अवगत कराया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो लिस्ट में जाइए और साथ में कीजिए सब्सक्राइब। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अगर आप एक हार्डवेयर है, एक सच्चे टेक्नीशियन है, अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ प्रो लेवल तक, तो ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी डायग्राम के साथ देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एक नए तो डायग्राम। मेरे प्यारे भाइयों, एकदम मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम डोंगल की ये मार्केट में अभी बिल्कुल नया है और अगर जिनके पास ये है ऑलरेडी जो इंडिया में यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं अभी हमेशा कहता हूँ कि हर चीज पॉसिबल है आज के डेट में। अगर कोई यूज कर रहा है ऑलरेडी है तो वो स्किप कर सकता है इस वीडियो को। अगर बाकी जिन्होंने यूज नहीं किया तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो पूरा देखने से आपको मिलेगी बहुत सारी जानकारी। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल पे लिखना है सिर्फ कॉम्बिनेट और उसकी वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। और आपको यहाँ इसको कर लेना है डाउनलोड, जैसे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ और बट आपको इसको परचेस करना पड़ेगा। और अच्छी बात आपको बता दूं कि इंडिया में है इसके रीसेलर यहाँ जेडएक्स मलिक, जैसे कि आप देख रहे होंगे जेडएक्स मलिक पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर है। रीसेलर की तो बात है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर आपको बनना है रीसेलर, अगर आप में से कोई इसके रीसेलर बनना चाहता है, अगर किसी को इसका डायरेक्ट इंडिया के अंदर चाहिए क्योंकि अब इंडिया के अंदर अगर आप बेचना चाहते हैं ये प्रोडक्ट, तो आप जेडएक्स मलिक से इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप इसको, अगर आपको जिसको भी ये परचेस करना है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और आपको मिल जाएगा एक सही प्राइस में। और अगर एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट है तो उसमें से आपको मिल जाएगा 10% छूट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं कि ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ जेडएक्स मलिक है। उन्होंने ये टूल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में लिया हुआ है। काफी अच्छा ये टूल है। इसके फीचर्स की बात करूंगा तो मैं पूरा डिटेलिंग यहाँ पर जाना चाहता हूँ। वेबसाइट ऐप पूरी देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ सैमसंग में, देखिए इसकी डिटेलिंग में अच्छी चीज यहाँ पे बताई हुई है, जैसे कि यहाँ पर सैमसंग के इस तरह से रूट यहाँ पर हम कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन फाइल यहाँ पर, फर्मवेयर की भी अच्छी खासी उन्होंने दिया हुआ है। ओप्पो की हम बात करेंगे, स्क्रीन लॉक फर्मवेयर यहाँ पर उन्होंने, मतलब बहुत अच्छा है ये। एक सिर्फ डायग्राम ना होकर एक फर्मवेयर अपग्रेड करके टूल भी है, मतलब आप इसमें फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी जो सपोर्टिंग फ्लैश, जैसे स्क्रीन लॉक हो गया, DRK फाइल हो गई, बहुत सारी फाइलें ऐसी है जो आप इसमें यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात मैं इसमें ये वीडियो चालू होने से पहले बताना चाहता हूँ, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं सर ये फ्री है या क्या है। जैसे इसका पीरियड फर्मवेयर का 1 साल का रहेगा और पैकेज इसका लिमिटेड है। मतलब कई लोग क्या करते हैं, जैसे हेल्प टैब, बहुत सारी फर्मवेयर है जो पेड है जिसमें आप सिर्फ 10 फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ये 2 PC में हम एक साथ चला सकते हैं। दोस्तों मैं आप मेरी बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 PC में, मतलब अगर आप इसको परचेस कर लेते हैं 2 लोग मिलकर भी, तो आप इसको 2 PC में आसानी से एक ईमेल ID के साथ चला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो $35 का पड़ता है तो ये आपके मान अराउंड मानिए ये आपको पड़ेगा कुछ 17 या 16 ऐसे कुछ डॉलर का, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पड़ जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे सस्ती ऑनलाइन डायग्राम सर्विस है जो कि अब तक किसी ने यहाँ पे चालू नहीं किया, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्विस है जो ऑनलाइन है। मतलब इसमें आपको कोई हार्डवेयर ID नहीं देनी है, कुछ भी डोंगल परचेस नहीं करना है, सीधे आपको एक ID और पासवर्ड मिलेगा जिससे आप इसको
ओपन कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको करना है इसको डाउनलोड, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और उसके सेटअप को चलाना है। देखिए इसका सेटअप चलने के बाद में देखो इसको शुरू से दिखा देता हूँ। चलो तो यहाँ पर ये मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है कॉम्बिनेट, तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका लॉगिन और पासवर्ड आईडी के लिए मांगेगा। सो यहाँ पर आपको अपना लॉगिन पासवर्ड आईडी डालना है। इसमें कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, आपको ये परचेस करना पड़ेगा। आपको इसका जो फॉर्म है जो किस तरह से उसको भरना है फिलअप करना है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, और आप इसमें भरकर आप यूजर पासवर्ड तो बना सकते हैं पर लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें चाहिए एक्टिवेशन की जो कि आपको परचेस करने के बाद ही मिलेगी। अब आपको इसको करना है लॉगिन, जैसे मैंने इसको लॉगिन किया है। जब आप इसको दोस्तों अभी ये लाइफ टाइम है, अभी इसका कोई भी ऐसा नहीं है ईयरली चार्जेस, फर्मवेयर के आपके वन ईयर के हैं ऑलमोस्ट, पर आपके डायग्राम के लाइफ टाइम है। जैसे अभी फिलहाल हमने डायग्राम के लिए इसको लिया हुआ है और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कॉम्बिनेट सिग्मेटिक ऊपर फाइल के हिसाब से दिया है, पर अभी मैं सिर्फ डायग्राम की बात करूंगा इस वीडियो में। तो इस डायग्राम में इतना सारी चीजें दी हुई हैं और उसके साथ इनके जो जिन्होंने ये बनाया हुआ है उन्होंने बोला है कि बहुत कुछ है ऑनलाइन देने के लिए इस ऑनलाइन डायग्राम सर्विस में। सो यहाँ बात करते हैं एप्पल की, यहाँ पर आपको सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें आईपैड और आईफोन दिया हुआ है, जितने प्रकार के आपको यहाँ पर मैन्युअली आपको इसके डायग्राम्स और ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आईफोन एक्स की बात करूँ तो यहाँ पर उसका डायग्राम और उसका पीसीबी दोनों मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा इसको डिटेलिंग भी करने वाला हूँ, आप इसमें थोड़ा डायग्राम्स किस तरह से रीड करते हैं ये भी आप सीखेंगे। तो इसको सिर्फ सर्विस के मैनुअल से हिसाब से मत लीजिए। देखिए इस तरह के डायग्राम जनरली मार्केट में नहीं है, ऑनलाइन नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे भी जनरली हम जितने भी जो आईफोन बनाने वाले होते हैं उनके पास में जिंजा हो या ZXW या उनके यहाँ ZXW होता ही है। तो बेसिकली बट ये डोंगल एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आपको ये लेनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड वालों के लिए तो क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये सारी चीजें तो आपको ऑलमोस्ट मॉडल मिले, ऑसस, हुवावे, लावा, लेनोवो, मेजू, मोटोरोला। ओप्पो की बात करते हैं, ओप्पो में देखिए इतने सारे मॉडल इसमें हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ रियलमी 1, रियलमी 2 और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ मॉडल इन्होंने दिए हुए, जैसे रियलमी 3 की बात करते हैं, रियलमी 3 की बात करें और इसका लाइट सेक्शन देखते हैं कि इसके लाइट सेक्शन से हम कुछ समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। मान लीजिए आपके पास में एक मॉडल आया है, फोन आया है रियलमी 3 और मान लीजिए उसका आपको लाइट का इशू जा रहा है, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज आती हो। नहीं आती है तो आप क्लास आके ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ट्रेनिंग, आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखने को मिलेंगी। तो देखिए अभी तो मैंने इसका स्कीमेटिक ओपन किया है, अब मैं इसका हालांकि इसमें स्कीमेटिक प्लस लेआउट दोनों है तो मुझे अलग से लेआउट डाउन यहाँ पर मैं बात करूंगा। आप देखिए यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, पेज ऊपर नीचे कर सकते हैं और हैंड टूल और फाइंड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट और ये सारी चीज कर सकते हैं। मैंने दबाया है कंट्रोल और माउस को किया है कर्सर को ऊपर, मतलब माउस का जो स्क्रॉलर है उसको अवॉक कर रहा हूँ, तो इससे ये हो रहा है अप एंड डाउन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट सेक्शन। तो अगर मैं लाइट सेक्शन की बात करूं तो मेरी लाइट आईसी कौन से आईसी में दी हुई है, या अलग से दी हुई है या लाइट आईसी दी हुई है, तो इसको देखने के लिए मुझे इसमें करना पड़ेगा हैंड टूल और यहां से इसका देखना पड़ेगा। ये है MT6358 जो कि मीडियाटेक का मेन आईसी, उसके नीचे दी हुई है MT6370 जो कि इसकी प्राइमरी आईसी। आप इसमें देख रहे होंगे इसमें LCM AVDD और AVEE जो दिख रहा है, ये है इसके डिस्प्ले ग्राफिक्स की सप्लाइयां, और जो इसमें आप देख रहे होंगे LCM बैकलाइट इसमें दी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसी के अंदर डाली गई है इसकी बैकलाइट। सो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस F दबाएं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा LED टाइप करने से, LED टाइप कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और LED को सर्च कीजिए जहां जहां LED है। तो अब देखिएगा LED देखिए इसके आगे अगर सर्च नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये खुला है, अच्छा ये फाइंड आउट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये खुला हुआ है लेआउट में भी और पूरा स्कीमेटिक यहाँ पर मेरे ख्याल से ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा स्कीमेटिक अगर ओपन हो जाए, हाँ अब मेरे ख्याल से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम LED सर्च कर रहे थे वो नहीं हो रहा था, रीजन क्या है कि लेआउट और से ब्लॉक डायग्राम खुला था। अब यहाँ पर जो खुल गया है ये इसका स्कीमेटिक पूरा ओपन हो चुका है। अब हम सेम करेंगे कंट्रोल प्लस F और यहाँ पे लिखेंगे LED और हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, और देखिए नेक्स्ट करने पर हमको सेक्शन वाइज, देखिए सेक्शन वाइज LED हमें अब यहाँ पर मिल जाएगी।
तो अगर हम यहाँ पे करेंगे जूम, क्योंकि ये हमारी लगी हुई है पावर आईसी के अंदर, यहाँ पे कोई भी एक 12 knob वाले इस तरह की कोई भी एक आईसी का यूज नहीं किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा जूम, तो अभी जो सर्किट में लेके गए हैं वो लेके गए हैं फ्लैश एलईडी में, हमें चाहिए हमारी लाइट की एलईडी। अब देखिए ये ले गए हमारे डिस्प्ले कनेक्टर में, हम यहाँ पर भी अपना चेक कर सकते हैं। अब मैंने दबाया कंट्रोल कीपैड में और माउस को स्क्रॉल अप कर रहा हूं, जैसे ये जूम हो रहा है और यहाँ पर हम अपना एलईडी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कौन से कनेक्शन में यहाँ पे एलईडी के पॉइंट गए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्शन नंबर पिन नंबर 2 पे एलईडी एलसीएम अंडरस्कोर एलईडी ए करके गया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ये आगे सर्च कर लेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, जहां जहां एलईडी लिखा है वहां वहां सर्च कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा क्योंकि एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर भी एलईडी यहाँ ले गया है। ओके ये देखिए, तो वापस ये एलईडी पहले नंबर के पेज पे ले आया है। चलिए देखिए नेक्स्ट, तो हमें ढूंढना है हमारा लाइट सेक्शन। अब देखिए ये आ चुका है हमारा लाइट सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको सिर्फ एंटर, कुछ कीवर्ड होते हैं ऐसे जो आपको एंटर करने से आपके डायग्राम को आसान कर देते हैं, हर पेज को ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब ये है MT6371, जैसे कि मैंने बताया था एक सेकेंडरी पावर आईसी में यहाँ पर लाइट सेक्शन दे दिया गया है, जहाँ एक बूस्ट कॉल एक डायोड उसके साथ में और उसके सीरीज में एक 0 ohms का रजिस्टर यहाँ पर डाला गया है, जो कि आपको मिल जाएगा साइड कनेक्टर के पास, और एक फिल्टर कैपेसिटर दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से पिनों के साथ A10 और D9 से निकल रहा है उसका आउटपुट। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा Realme 3 का लाइट सेक्शन किस तरीके से, मैं इसको चाहूँ तो पूरा बहुत अच्छे से कर सकता हूँ एक्सप्लेन, बट कोशिश ये है कि और अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए आपको आना पड़ेगा क्लासेस, क्योंकि वहां पर हम बोर्ड में चालू फोन में हम बकायदा ये भी दिखाएंगे कि कौन से कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज आता है, बंद करने पर, चालू करने पर, पावर की दबाने पर, या उसको स्टैंड बाय मोड पे लाने पर। सो चलिए ठीक है, तो ये जो टूल है इसी तरह का टूल है, काफी अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये टूल, और पर्सनली मैं इसको खुद यूज कर रहा हूँ काफी दिनों से, और इसको यूज करने के बाद ही इस पर बनाया मैंने वीडियो ताकि आपको मिले अच्छा नॉलेज। दोस्तों आप सभी लोग, आप में से 2 लोग जुड़ जाओ और 2 लोग जुड़ के ये टूल ले लो, क्योंकि ये 2 PCB पर चल जाएगा एक बार में। मतलब आपने करना क्या है, आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि भाई ये टूल लेना है, और दोनों को पैसे मिला के परचेस कर लो, और उसके बाद में आप अपने अपने अलग अलग कंप्यूटर में टूल कर सकते हो ओपन। पर इसके लिए खरीदते समय आप जरूर पूछ लीजिएगा कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ऐसा तो हो रहा है। अब यहाँ बात करते हैं सैमसंग में भी बहुत सारी चीज दी हुई है, Xiaomi में तो यार यहाँ पर Redmi Note 8 Pro तक यहाँ पर डाल दिया गया है अपडेट, और काफी अच्छा है। Redmi Note 8 Pro की अगर हम बात करें, Redmi Note A और बहुत सारी चीज, Redmi Note A भी हम अगर ओपन करें तो उसमें देखिए हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिलता है सब में आपको मिलेगी एक PCB लेआउट, और उसका बाद मिलेगा उसका डायग्राम। सो दोस्तों बहुत अच्छी चीज है, ये आपको लेना चाहिए मे बी, क्योंकि अगर आप है मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में तो आपको अपडेट होने के लिए ये डायग्राम की जरूरत पड़ सकती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ यूट्यूब से तो सीखा कभी भी नहीं जा सकता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप एक बार सही तरीके से सीखेंगे तो ही आप कर पाएंगे। दोस्तों मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, और बहुत सारे मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं कि लोग वो नॉर्मल ISP पिनआउट कनेक्टर भी यूज नहीं कर पाते हैं, लोगों को VCC VCC Q का भी फर्क नहीं पता होता है, क्योंकि यूट्यूब में सिर्फ सुनकर देखकर करना और प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर है। ये उदाहरण के तौर पे इस तरह से होगा कि आपको एक स्विमिंग की किताब दे दी, और आप किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकते जब तक आप उतरेंगे नहीं, मतलब आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज होती है। तो सिर्फ यूट्यूब में ऑनलाइन क्लास लेकर मुझे, या फिर ऑनलाइन क्लास में मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ बेनिफिट आपको मिलता होगा। आप पर्सनली खुद सोचिए जिन्होंने ली हो कि आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस रहे हैं, और मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी और भी ट्रिकें हैं जो पता लगनी जरूरी है, जो आप सेम टाइम पे आप जाएंगे किसी क्लास तो आपको मिलेगी एक अच्छी, आपको आपको पता चलेगा कि किस वे में काम करते हैं लोग। तो यहाँ पर ये है Redmi Note 8 का एक PCB लेआउट, जिसमें ये है अपर और ये है उसका बॉटम, और उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ इसका पूरा डायग्राम। अच्छा यहाँ पर सिर्फ खाली एक IC बता दी गई है, इसका स्कीमेटिक अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसका ओपन हो जाएगा यहाँ पर। आप इसमें कितने भी टैब ओपन कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर भी, अगर आपका सिस्टम इतना अच्छा प्रोसेसर और रैम के साथ है तो ये ज्यादा टैब पर नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं जाएगा, मतलब क्योंकि वो तो कोई भी टूल होता है तो वो तो चला ही जाता है। बहुत एक सिंपल टूल है, बहुत ईजी टूल है, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑनलाइन ही यूज होगा, आप इसको ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते हैं।
आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों लाइफ टाइम है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो एक डोंगल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लेना है और आपने उसमें करना है। देखिए इसका मैं लाइट सेक्शन ओपन करता हूँ, एलईडी ओपन, एलईडी क्लिक किया, रेडमी नोट 8 का लाइट सेक्शन। और अगर हम यहाँ जाएंगे, ये एलईडी अभी हमें ले जा रहा है इंफ्रारेड पर, और ये देखिए एलसीएम बैक लाइट तो यहाँ पे लगी है 12 वोल्ट की, एक ओप्पो की आईसी, ओप्पो वाली एक आईसी जो 12 वोल्ट में लगी होती है, उसमें सर्किट लगा है 2। सो ये देखिए ये लगा हुआ है इसका लाइट आईसी। आप इसको कर सकते हैं जितना चाहे उतना जूम, तो जूम करने का इसके जो पिक्चर्स है वो फटते नहीं है, ये देखिए। और आप इसको ढूंढ सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आसान और बहुत सरल है। तो ये इसको परचेस करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए यहाँ पर इनके रिसेलर जो है ZX मलिक, आप ऑलरेडी उसका नंबर नीचे हमारी नीचे लिंक पे भी आपको मिल जाएगा, और आप यहां से भी उनका नंबर ले सकते हैं। और दोस्तों खास बात मैंने इस वीडियो में कह रहा हूं, अगर आप बनना चाहते हैं रीसेलर, अगर आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पास में है वो पोटेंशियल ये बेचने का, तो आप उनसे लीजिए और वो आपको और भी सस्ते में इसको देंगे, ताकि आपको मिले एक अच्छा कमीशन, और ताकि आपको मिले बीच में एक अच्छा कमीशन और आप इसे अच्छा खासा कमा सकें। तो ये भी आपके लिए है, और दोनों हमने रास्ते खोल दिए, एक रीसेलर आप बन सकते हैं, और आप चाहें अगर एक रीसेलर आप बन सकते हैं, और अगर आपको लेना है तो अपने दोस्त के साथ ये ले सकते हैं, आपको पड़ जाएगा ये आधा आधा। अगर आप अकेले हैं तो इसको पूरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना सीखें उतना कम। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हमेशा एक नया अपडेट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए, इनके लिए आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Announcing 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.